पीएमएलएन इलेक्शन जीत जाएगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ गए? इमरान खान जिंदाबाद। इंशाल्लाह बफजल खुदा से शेर चौथी बारी फिर। सब कुछ तो उनके अंडर है, अब मियां साहब फिर आ गए, अब फिर हुकूमत मिल जाएगी। मुल्क संभालो नवाज शरीफ, मुल्क बचा लो भाई। रश तो उनके इसलिए होता है कि बिरयानी बेच रहे होते हैं, अगर पैसे दे के वोट खरीदेंगे फिर हो सकता है जीत जाए। चार साल ये बाहर आके आया है, लोग जाते हैं इधर से बाहर कमाने के लिए, वो इधर आते कमाने के लिए। ये हो ना कि वो आए हो तो पता चले कि ना वो अपनी सारी दौलत वापस लेकर आए हैं, सारा कर्जा हमारा उतारे। आपको लगता है कि पीएमएलएन इलेक्शन जीत जाएगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ गए? इमरान खान जिंदाबाद। क्यों? इमरान खान जान है हमारे दिल की धड़कन है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाएंगे सर, आप आ गए हैं। मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के तरसल से इंटरव्यू दिया था, उधर खड़ा था, मैंने आपको बोला कि 21 तारीख को वो आएगा मियां साहब, और इंशाल्लाह बफजल खुदा से शेर चौथी बारी फिर, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। गल के ये लाहौर दस दिता पूरे पुलक चो दुनिया आई है। मैं सारे खुद इतने मेरी दुकान मैं मार्केट का स्टैंड लाया इतने, यकीन करो सारी दिहाड़ी गैमा गैम, बल्कि 5 दिन पहले ही मियाँ के नारे वजन गए, मियाँ फिर चौ मियाँ मियाँ आएगा, मियाँ छाएगा, मियाँ आ गया इंशाल्लाह। पीएमएल नून नून के सिवा और कोई नहीं, जिनका नाम लेना भी गवारा नहीं, आज वो हैं दोबारा। क्या लग रहा है आपको, आप नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, उनकी पार्टी कह रही है आओ संभालो मुल्क बचालो नवाज शरीफ? सारे अपना खाने के पीछे पड़े हुए हैं इधर, इन किसको किसका ख्याल है। तो ये बताएं कि आप नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो वो इलेक्शन में उनकी पार्टी जीत जाएगी? सब कुछ तो उनके अंडर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है। फ्री एंड फेयर तो फिर इमरान खान की तरफ ही ज़्यादा वाम नज़र आती है, क्योंकि गवर्नमेंट महकमों में मैंने देखा था जिस दिन वो था, उस दिन हर माली को कहा जा रहा था आपकी हाजिरी तब लगेगी जब आप उधर पहुँचोगे जी। या माली रहते हैं ना, हमारे भी एरियाज में रहते हैं, तो उन्होंने बताया आपकी हाजिरी तब लगेगी जब जलसे में पहुँचोगे। अपने दिल से तो वो नहीं गए। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए, आपको लगता है कि आप उनकी पार्टी इलेक्शन भी जीत गए? मुश्किल है। आपको नहीं लग रहा? क्या वजह है? काम बहुत अच्छे किए उन्होंने, मोटरवे बनाई है, पुल वगैरह बनाए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मुश्किल है जीत? ज्यादा अच्छे काम किए ना इसलिए। नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, आपके ख्याल में वो उनकी पार्टी तो कह रही है आओ मुल्क बचा लो संभालो, आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? देखें ये सारा काम आपको भी पता है ऊपर से हो रहा है, अगर ऊपर से होगा तो वो पार्टी जीत जाएगी। फ्री एंड फेयर हमारी मर्जी का, लोगों की मर्जी से वो कभी भी नहीं जीत सकते। पीटीआई जिंदाबाद जी। क्या वजह? बस इमरान खान आवाम को इतना शऊर दे गए हैं कि पीटीआई के सिवा नवाज शरीफ इतने सालों से आ रहे थे, वो इतने सालों से हुकूमत की है, तो अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा आवाम के लिए नहीं किया, वो करप्शन के कैद सब कुछ अपना आए हुकूमत आई माफ़ करवाया और फिर चले गए भाग के। अब मियाँ साहब फिर आ गए, अब फिर हुकूमत मिल जाएगी, 5 साल बाद फिर मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, उसके बाद फिर ये बाहर चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? नहीं, कभी भी नहीं। क्या वजह? वो तो कहते हैं उनकी पार्टी कह रही है नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुल्क संभालो नवाज शरीफ, मुल्क बचा लो भाई। रश तो उनके इसलिए होता है कि बिरयानी बेच रहे होते हैं, अगर पैसे दे के वोट खरीदेंगे फिर हो सकता है जीत जाए। नहीं नहीं, पैसे नहीं, फ्री फ्री एंड पे नहीं जीत सकते, इमरान खान के साथ ही है वाम सारी। नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं तो इलेक्शन भी जीत जाएगी उनकी पार्टी? इलेक्शन के नहीं जीत सकते ये। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, इनका वोट ही नहीं है, वोट जिसके पास भी जाएंगे वोट इमरान खान का ही है। क्या वजह है? आखिर वो कह रहे हैं कि हमने मुल्क संभालना है, मुल्क बचाना है, मुल्क ठीक कर। सर जी चार साल ये बाहर आके आया है, लोग जाते हैं इधर से बाहर कमाने के लिए, वो इधर आते कमाने के लिए। क्या लगता है आपको, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन भी जीत जाएगी उनकी पार्टी? इंशाल्लाह जीतेगी। हाँ जी जीतेंगे। क्यों आपको इतना यकीन? हाँ जी ऐसी सपोर्टर हूँ उन्होंने जी। अच्छा। बिल्कुल साढ़ा को 250 वोट सारा नून लीग का ही। सारा नून शेर एक बार शेर फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनिए दोस्त, क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, आपको लगता है इलेक्शन जीत जाए? मुझे नहीं लगता, जैसे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, ठीक है, आपकी मुल्क बहुत अनस्टेबल चल रहा है, इकॉनमी भी और सोशली भी और पॉलिटिकल भी, आपका जो सारा सोशो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो इस टाइम इमर्ज कर रहे हैं। ट्रू। तो इसी वजह से, और ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि एयरपोर्ट पे जो है उनके लिए बायोमेट्रिक चले गई, और कई जो जो इस इस्तात के नहीं है लोग वो वहाँ पे कचहरी में जाके और दूसरे तरीके से थानों में जाके जो बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं पाकिस्तान, आपके ख्याल में अब पार्टी उनकी इलेक्शन जीत जाएगी? जाहिरी बात है उनके ही सारे बंदे हैं, उन्होंने ही आना है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतेंगे या नहीं? इलेक्शन तो जीत जाएंगे वो, इतना पता है जी, बिल्कुल जीतेंगे वो। आपको लगता है फ्री एंड फेयर? हाँ जी शेर
बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, आपको लगता है वो इलेक्शन भी जीत जाएगी उनकी पार्टी? इलेक्शन का तो सर पता नहीं है, लेकिन ये कि वापस आने से फ़र्क कोई नहीं पड़ना। उनके जाने से फ़र्क नहीं पड़ा, आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये होना कि वो आए हों तो पता चले कि ना वो अपनी सारी दौलत वापस लेकर आए हैं, सारा कर्जा हमारा उतारें, एवन फील्ड बेचें, सारा कुछ करें, करके हमें दें कि जनाब ये लो भाई मेरी पाकिस्तानी कौम ने मुझे दिया था, मैं उनको रिटर्न कर रहा हूँ, फिर तो माने कि यार ठीक है। जब उन्होंने करना कुछ नहीं, आए हैं पहले छोटे भाई ने लूटाया, बड़ा भाई लूटेगा, उसके वक्त नहीं खत्म, सदियों से चल रहा है काम, चलता रहेगा। क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, आपको लगता है इलेक्शन भी जीत जाएंगे? नवाज शरीफ साहब बंदे तो मुखलस हैं, वतन का दर्द रखते हैं वो, और उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी जो आवाम का रुझान है ना, ये महंगाई और अफरा तफरी और बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से लाशौर थी कौम, सोई पड़ी थी, इमरान खान ने थोड़ा आके इनको थोड़ा शौर भी दे दिया। अब आवाम जो है ना यही चाहती है कि ऐसा बंदा मुखलस हो जिसका सारा कुछ इधर हो, लंदन वंदन में कुछ ना हो, जो ओरिजिनल बंदा चाहिए, जिसकी जड़ें भी यहीं हों, पत्ते भी यहीं हों, वो इस मुल्क को चला सकता है। और जिसकी जड़ें बाहर हों, इमरान खान की भी अभी जड़ें बाहर हैं, पत्ते बाहर हैं, वो खुद यहाँ बैठा हुआ है, खुद तो नहीं जा रहा हो, इसलिए उस पर कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं। लेकिन हमें बंदा चाहिए जो यहीं का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे पंजाब का हो, बल्तिस्तान का हो, लेकिन मुखलस बंदा चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत दिलचस्प बात की हमारे दोस्त ने कि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी अरसे से ये रवाज पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि बेशतर पाकिस्तानी सियासतदान उनके घर, उनके कारोबार मुल्क से बाहर हैं और यहाँ पे उनकी सिर्फ सियासत है, हुकूमत है। सर आपको क्या लगता है, आप नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, आपको लगता है आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे सर? हाँ जी, ये डेफिनेटली पक्का जीत जाएंगे। क्या वजह? के मुकाबले में कोई नहीं, पहलवान अकेला है तो कोई आना नहीं, तो उसने जीतना ही है। नहीं, अकेला आदमी तो हर खेल में जीत जाएगा, तो बस वो अकेला ही है। ना छोड़े ना साथ किसी पार्टी को, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सारी पार्टियां आजाद हो, फिर नहीं जीत सकता। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप देख रहे हैं कि एक तासुर बहुत सारे लोगों का यह है कि नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन जीतने की सिर्फ एक वजह है कि अगर मैदान में कोई और ना हो। जाहिर है ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे मैदान में सभी होंगे इंशाल्लाह।